और उमेर बिन यूसुफ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमेर भाई, क्या हाल है? ये अल्लाह का करम है माशाल्लाह से। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पीएसएल के हवाले से, और सेकंड ये रमजान की नाइट क्रिकेट के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि कोशिश होती है कि जितना भी टाइम, इस टाइम जो कुछ हो नहीं रहा होता था, जिम के बाद फ्री होके कोशिश करते हैं कि दोस्तों से मिले और इस तरह ही क्रिकेट खेले। फेस करने आए हैं उमेर बिन यूसुफ, अच्छे प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर हैं, कोटा गैडेटर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं पीएसएल में भी। गुड शॉट, गुड बॉल, अच्छा बॉल था, इनसाइड एज लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो भाई एक और टूर्नामेंट खेलने के लिए हम आ गए गुलशन, अब ब्लॉक 13 बी गिलानी स्टेशन के नाम से। ये जगह बहुत मशहूर है, पिछले रमजान में हम आए थे और यहाँ की कमेटी के दोस्त हैं दानियाल और अली, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो टूर्नामेंट करवाते हैं, बड़े मज़ेदार इन्होंने जगह बनाई है। और अभी सीन ये है कि 4 ओवर की क्रिकेट है, हमारी पहले बैटिंग है। उम्मीद ये है कि हम लोग एटलीस्ट 40 से 45 रन लगाएं, 45 रन गुड हो जाएंगे, 40 थोड़े से मसले मसाइल होंगे। और अपोजिट टीम में कह रहे थे कि इनके अपोजिट टीम में 2-3 स्टार प्लेयर हैं जैसे उमेर बिन यूसुफ वगैरह, लेकिन वो अभी आ ही नहीं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। हैं ये उमेर बिन यूसुफ आज है हमारे साथ, और शायद विकेट कीपर के वो जो प्राइज अंजाम देंगे और बड़ी मज़ेदार क्रिकेट मिलेगी इंशाल्लाह ताला आपको देखने के काबिल हो गई हमें। तो अभी चलते हैं और ज़रा इन्जॉय करते हैं बैटिंग हमारी, कितने बॉयज रन करते हैं वो भी देखते हैं, और नहीं होते तो फिर ये भी देखते हैं कि हमें किस तरह बॉलिंग टैकलिंग करनी है। आप क्या कहते हैं सलमान, कितने करने चाहिए हमें? 50 रन एटलीस्ट करना चाहिए। तो गाइज मैच स्टार्ट होने में अभी आई थिंक 2-3 मिनट है, और सामने आरिश भाई भी हैं और उमेर बिन यूसुफ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमेर भाई, क्या हाल है? ये अल्लाह का करम है माशाल्लाह से। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पीएसएल के हवाले से, और सेकंड ये रमजान की नाइट क्रिकेट के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि कोशिश होती है कि जितना भी टाइम, इस टाइम जो कुछ हो नहीं रहा होता था, जिम के बाद फ्री होके कोशिश करते हैं कि दोस्तों से मिले और इस तरह ही क्रिकेट खेले। तो अदर बैटिंग भी थोड़ी इम्प्रूव होती है हमारी, तो मेरी यही कोशिश होती है जितना खेल सकूँ इंजॉय कर सकूँ। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आपके साथ, बस हराइएगा नहीं हमें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच भाई। उमेर बिन यूसुफ थे हमारे साथ, और आप बता रहे थे काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं, और आरिश अली खान भी हैं तो स्पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तेज करेंगे। हार्ड बॉल में बहुत अच्छे बैट्समैन, हार्ड बॉल में बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन, टेप बॉल भी अच्छा खेलते हैं सलमान। क्वेटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी की थी इसलिए। हाँ तो भाई मजेदार मैच देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे सबसे अच्छी टीम जो मुझे लग रही है वो यही है, और इसी से हमारा मैच मिला। चलिए भाई, आरिश अली खान जो आई थिंक लास्ट ईयर आपको क्वेटा ग्लैडिएटर से दिखे थे या तो 2 साल पहले, वो भी हैं, और उमेर बिन यूसुफ कीपरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं, जो जी करेंगे इसको सामना। कांटे का मुकाबला है, वाइड बॉल, और पीछे के क्या हैं, दो हैं, मतलब 3 रन आ गए बगैर बॉल, 3, काफ़ी तेज़ गेंद पहुंचा है वह तो टोटल 2 हैं, सही है 2 रन है भाई, अंपायर ने टैली करवाया। आरिश भाई वैसे तो स्पिन करते हैं लेकिन टेप बॉल में फास्ट कर रहे हैं, 2 रन, ओए फिर शायद वहाँ पे 1 रन मिला, 1 बॉल 3 रन, काफ़ी तेज तरार गेंदे कर रहे हैं, मज़ा आएगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये मैच एंड तक जाएगा, अगर हम सम ऑफ 45 करते हैं ना तो मैच तो फिर मज़ेदार हो जाएगा, अगर 40 भी करते फिर भी और, बाकी लेट्स सी। फिर वाइट और फिर सिंगल, और इस तरह 1-5 आ गए, और मेरे साथ मौजूद है यहाँ सारे बॉयज, सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? भाई आपकी टीम को करते हैं। चलो भाई जोजी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और अली 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 वहाँ अगर डायरेक्ट चलेगी तो क्या है, और अगर टिप्पक आ गए, अच्छा 2 बॉल 6 रन, हरित भाई सामना करेंगे, और ये डॉट हो गया, 3 बॉल 6 रन, एक छक्का लग जाए तो एवरेज जो है 12-12 का बड़ा अच्छा है यहाँ पे। हमारा माइंड ये कि 45-50 हम कर दें। ओ क्या गेंद किया है भाई, 1 अलाउ दी दी है, 3 ओवर का है ना, नहीं 4 ओवर है, 4 है, 4 में हमने 71 मारा। हाँ तो उसके बाद नींद आई थी, नहीं 4 बॉल 6 रन, और हरित भाई ने शॉट मारा है, लेकिन आई थिंक ये 1 रन आएगा, अली डॉट है, डॉट है, 5-6, और ये भी बॉल डॉट हो गया, तो इस तरह 6 रन का, अच्छा वाइट है, बॉल है बॉल है बॉल है बॉल, बाबू 1 ओवर में 6 रन है, यार रन तो रन कम आए, 3 ओवर का
नहीं नहीं चार ओवर का ही है, चार का कर दिया है, कवर हो जाएगा मगर चार ओवर का है तो। हाँ लेकिन फिर भी हम 45-50 करने चाहिए जो बात है। शॉट नहीं लगाया, नहीं पूरा मेरा नहीं ख्याल पूरा जाएगा ये। ओ जो जीरो, अरे जो हारिद भाई रन आउट हो गए, हारिद भाई रन आउट हो गए। शाबाश सल्लू कि ना, अब हमें तीन ओवर में रन लगाना पड़ेंगे ऑन बोर्ड, तभी जाके मजा आएगा, क्योंकि सामने इंटरनेशनल प्लेयर उमेर भाई। ये क्या है, एक रन है, दो बॉले दो रन, दो बॉल दो रन, तेज बॉल, काफ़ी अच्छा गेंद, तीन बॉल पे दो रन। जैसे कि मैंने बोला था यही टूर्नामेंट की सबसे अच्छी मुझे टीम लग रही है, और उससे हमारा मैच पड़ा है, तो ये इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। तीन बॉले दो रन, एक छक्के की ज़रूरत है इस ओवर में। शॉट है, चार हो गया आई थिंक, अंपायर ने चौका दे दिया, तो इस तरह चार पे आ गए छः रन, चार छः। ओ काफ़ी अच्छा गेंद हुआ है, और थिंक सिंगल हुआ है, लेकिन एक लाव दे दी गई अंपायर की जाने। पाँच सात ये क्या बॉल कर दिया, अरे पीछे भी चले गए, एक्स्ट्रा के दो रन मिल गए इस वक्त, आई थिंक 9 रन हो गया, 5 पे, हाँ 9 हो गए। ओह बॉल था सामने का, खैर है, 2 ओवर 15 रन, दूसरा ओवर हो गया 9 रन आ गए, 9 और पहले में 6, 15 हो गए, दो में दो में ना करने लाजमी, दो में नहीं, मैं कह रहा हूँ 25-30 करो आप, दो में तो खुली जगह है, 25-30 पे मैच मैच में आएंगे, लेकिन जिस तरह के बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, 20 तो आप बनते लाजमी, कम से कम 40 करो, 40 पे मैच है, 30-35 पे तो बहुत कम रन हो जाते। ये सिंगल दिया गया सलमान की जानिब से, जोजी को स्ट्राइक दी गई, जोजी सामना करेंगे। एक बॉल एक रन, 2 ओवर में 15 रन, पर ये गलत जगह मारा, खिंचावा गेंद कर रहे हैं बॉडी के जाने, इसको इसके अलावा आप कहीं भी नहीं मार सकते, नहीं 2 बॉले 2 रन। जूजी करेंगे तीसरी बॉल का सामना, अरे ये भी ऊपर चले गए, ये भी सिंगल हुआ है, 3 पे 3, इन तीन बॉलों पे एटलीस्ट एक दो छक्के लगेंगे तो मैच में हम आएंगे, क्योंकि रन अभी कम है, कितनी भी जान मार ले बॉलर, अगर 10 रन का एवरेज ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। नो बॉल जी, ये नॉकआउट है, जीते तो आगे हारे तो घर, लेकिन रन हमें लगाने हैं, अभी हमारे कम रन, फ्री हिट है, 3-4 वाइट, और डॉट बचाई गई है, 3-5 वाइड बॉल, और उमेर भाई की जाने से अच्छा सेफ, 3-6 वेव वो वाइट है, 3-7 एक हाइट भी अलाउ दे दी है लेग अंपायर ने, शायद जो जी थक रहा है वो वाइट कर करके, 3 बॉले 7 रन, आप ये एक्स्ट्रा कर दिए, और शॉट, क्राउड की जाने से क्लैपिंग देख सकते हैं, ये सारे बच्चे एंजॉय करने वाले। अब फाइनली तुम लोगों को ताली मारने का मौका मिला, 2.5 ओवर तक खुश खड़े हुए थे हम सब, 4 पे 13 चल, एक ले 5-13 बॉलर ने साइड चेंज किया, कोई दिमाग में प्लान लग रहा है इनका, और ये अलाउ दे चुके थे अली, सिंगल या डॉट, डॉट 13-15-28 तीन ओवर में 28 रन हो गए, और बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत जगह पे गेंदे कर रहे हैं, और थोड़ी सी लाइटिंग कम लग रही है मुझे एज कम्पेयर टू अदर
बॉल मुश्किल हो रहा है टपने में। व्हाइट लाइट नहीं असल में, येलो लाइट होती है तो व्हाइट बॉल इजीली दिख जाता है, थोड़ा व्हाइट टेप वैसे भी फेड होता है। मैं कह रहा हूँ अगर इसमें 15-16 करें तो हम 45 तक रिकवर हो जाएगा। एक ये भी है कि हम अभी 28 पे हैं, हमें एटलीस्ट 12 करके 40 तक भी पहुँचना है। चलें गुड हो गया। सलमान को भाई इससे बैटिंग में भेजा गया, सलमान का सीधा बहुत पक्का है। और उमर बिन यूसुफ क्वेटा ग्लैडिएटर के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आ चुके हैं बॉलिंग पे। और ये सलमान ने शॉट तो अच्छा मारा है, 6 हो गया, वो 6 दे रहा है, वो 6 दे रहा है। उमर भाई की पहली बॉल पर चौका लग चुका है और दूसरी बॉल फेस करेंगे सलमान। अरे सिंगल हो गया और ये आउट हो गए। 2 बॉलों पे 4 रन है और तीसरा बॉल फेस करेंगे लास्ट ओवर का दिल, वाइट बॉल प्लस होगा ना ये। सही है सही है सही है, गुड है। 2-6 है ना। तीसरा बॉल जोजी फेस करेंगे, जोजी का छक्का लग गया है भाई, 6 है ना, तो कंफर्म कर लो। भाई कंफर्मेशन हो रही है कि 6 है कि नहीं है। एक है भाई, एक है, वहाँ का रूल नहीं पता कुछ कि पोल के उस तरफ है क्या है। तो 3 बॉलों पे इस तरह 7 रन आ गए और चौथा बॉल हो रहा है, ये एज लगा है जोजी का और ये भी एक है, डिक्लेयर है वहाँ का एक। बाउंड्री कोई नहीं लगी इस ओवर में, चौका लगा था सिर्फ एक, 4 बॉलों पे 8 रन बन गए, नहीं वो चौका था। 4 बॉलें 8 रन है, 3 ओवर में 28 रन थे, 36 हो गए टोटल। एक बाउंड्री लेनी पड़ेगी ताकि हम 40 प्लस पे आ जाएं। ये भी मेरे ख्याल से सिंगल ही होगा, ये सिंगल ही होगा। फिर आगे पीछे 6 बहुत अच्छे जोजे, ये हो गया 6 क्रॉस में, वहां का रूल नहीं पता क्या है बट ये पता है कि यहाँ 6 हुआ है। 14 रन आ गए 5 बॉलों पे और अब इनिंग का लास्ट बॉल होगा। जोजी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, 14 रन इसमें आ गए हैं, लास्ट बॉल है। और ये आधा शॉट लगा था जोजी का, आरिश ने कैच छोड़ा और रन आउट बच गए। कितने आए इसमें, 16 है मेरे ख्याल से, 16 और 40 ना, 40 40 हो गए, ठीक है जितने हो गए 40 हो गए, नहीं नहीं 28 और 16, 28 और 16 भाई, 45 का विन है ना, अच्छे रन, रन सही हो गए, बहुत बेहतरीन हो गए जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग लाइन है, इंशाल्लाह ये रन रोकने चाहिए। अब जी ने अच्छी बैटिंग कर दी, मैंने कुर्बानी दी, रन आउट हो गया लेकिन उसने पूरा कर दिया माशाल्लाह से, जो बात है। और अब बॉलर्स का काम है भाई, यहाँ पे भाई 45 रन है, अच्छे रन है ना अल्लाह ताला यार। उमर बिन यूसुफ आए हैं आज अगेंस्ट, आरिश भाई भी अगेंस्ट, अच्छी टीम है यार, बहुत अच्छी टीम है। शाबा नोमी भाई तगड़े आना, कहिए शाह बाबू बहाद सलमान सही रहने, स्कोर अच्छा है भाई, अच्छा स्कोर है हमारे बॉलर भाई, हाथ खोल लें, हाथ खोल लें, पाशा भी आए हैं आज और हमारे साथ एहसन, रन सही हो गए, रन सही है ना, बेहतर है, तू कह रहा था 50-55 हो, नहीं नहीं सही है, इंशाल्लाह पकड़ेंगे। 45 का टारगेट है और फेस करने आए हैं उमर बिन यूसुफ, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं PSL में भी। और इनका सामना है एहसन से, एहसन वहां अपने रनअप पे रेडी हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि एज़ यूजुअल जैसे बॉलिंग करते आ रहे हैं अब तक रमज़ान में, वैसी ही बॉलिंग करें यहाँ पर भी। फोर्टी फाइव का विन है और रन्स अच्छे हैं, आसान नहीं होंगे बनाना लेकिन खुली जगह है, क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता।
पहला बॉल करेंगे एहसन, गुड शॉट, शॉट अच्छा लगा है लेकिन डॉट बॉल हुआ है। और इस शॉट ने आप लोगों को बताया होगा कि पेयर कैसे हैं ये। गुड बॉल, वहाँ का एक है, क्या है, एक डिक्लेयर है वहाँ का, और स्ट्राइक भी उमैर बिन यूसुफ के पास ही आएगी वापस। खैर है नहीं, ऊपर सिंगल बचाना है। दो बॉलों पे एक रन बना है और तीसरा बॉल करेंगे ऐसा। ऊपर से निकल जाएगी, कीपिंग काफी मुश्किल है यहाँ पे, जगह नहीं कीपिंग की, ये देखें आप। और थर्ड मैन तो यहाँ पे है ही नहीं, पीछे का एक डिक्लेयर है। तीसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं सन, दो बॉल एक रन है। गुड बॉल, अच्छा बॉल था, इनसाइड एज लगा और सिंगल ही बना है। तो तीन बॉलों पे दो रन हैं, स्ट्राइक चेंज हुई है। ये चौथा बॉल फेस करेंगे पहले ओवर का। एहसन ने तीन बॉलों पे दो रन दिए हुए, चौथा बॉल और बोल्ड कर दिया भाई एहसन ने, इसलिए एहसन मशहूर हैं और वही काम किया एहसन ने। क्या बोल रहा, पूछो पूछो इससे, बता दो मैं, इसने बोला अगली बॉल पे बोल्ड है और बोल्ड हो गया। अपनी बारी में बोला कर छक्के वाला और डॉट बॉल, पठान की बहुत अच्छी कीपिंग और डॉट बॉल हुआ है। दो रन है एक ओवर में और दो रन दिए एहसन ने, और ये पाशा के पास से मिस हो गया बॉल और रन आउट भी हो सकते थे, लेकिन पाशा की थोड़ी सी लूज फील्डिंग, सिंगल बना है। तीन रन आए हैं, तीसरा ओवर स्टार्ट हो रहा है और पाशा आ रहे हैं ओवर के लिए। डॉट बॉल, वाइड बॉल है और वाइड बॉल था और उस पर रन बने हैं दो। उमैर बिन यूसुफ आ गए हैं स्ट्राइक पे दोबारा और पहला बॉल पाशा का फेस करेंगे। नो बॉल, घर का डॉट है, बीमर था, नो बॉल था, कोई बॉल नहीं। तीन रन हो गए और यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना पड़ेगा पाशा को, बगैर बॉल के तीन रन आ चुके हैं और जब तक उमैर खड़े हैं विकेट पे तो कुछ बोल नहीं सकते, मैच किसी भी तरफ जा सकता है। गुड शॉट और एहसन की एक्सलेंट फील्डिंग और रन आउट हो गया भाई, एक बॉल तीन रन। दूसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं पाशा, एक बॉल पे तीन रन है और अच्छा बॉल पाशा का, उतनी ही अच्छी कीपिंग भी पठान की, बहुत तेज बॉल था, अच्छा बॉल था। दो बॉल है तीन रन, पाशा ने दो बॉल डॉट करवा दी और कवर हो गए इनके एक्स्ट्रा जो किए थे। ये भी डॉट, टॉप एज लगा और घर में गया बॉल। पठान पूरा बकअप कर रहे हैं बॉलर को, तीन बॉलें डॉट हो चुकी हैं, एक्स्ट्रास जो किए थे पाशा ने कवर हो गए और बाउंड्री कोई नहीं लगी अभी तक। चौथा बॉल, ओहो हो, पाशा का एक और तगड़ा बॉल और उमैर बिन यूसुफ रन आउट भी हो गए भाई। पाशा की एक्सीलेंट बॉलिंग एंड फील्डिंग, उमैर बिन यूसुफ रन आउट हो गए और मैच अब थोड़ा जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया है। चार बॉलों पे तीन रन बने हैं, अली उमर जो हैं वो फेस पे हैं, मेन प्लेयर थे इनके उमैर बिन यूसुफ, और दो बॉलें रहती हैं इस ओवर की। पहले ओवर में थे तीन रन, इसमें आए हैं तीन रन, तो टोटल हो गए हैं छः। पाशा करेंगे अपना पांचवा बॉल, वहाँ पे एक्सीलेंट कीपिंग एंड फील्डिंग हारे सर पठान की तरफ से, क्या था ये, डॉट बॉल था पठान, वाइड बॉल हुआ है। चार बॉलों पे चार रन दिए हैं पाशा ने, पांचवा बॉल और वाइड बॉल और प्लस होगा ये रन,
पीछे का एक डिक्लेयर है। पांचवा बॉल और गुड शॉट, ये अच्छा शॉट था भाई, लो फुल टॉस था और इसको यूटिलाइज किया ली उमर ने। थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं दिल से। लास्ट बॉल है पाशा का और ये पाशा ने बदला ले लिया है भाई। एक्सीलेंट स्लोअर वन और चेक किया बैट्समैन को, स्लोअर वन बोल्ड कर दिया भाई। अच्छा कवर किया पाशा ने। दो ओवर में होगा इनके 14 रन और अब नए बैट्समैन आए हैं। दो ओवर 15 रन है, दो में रह गए 30 रन। दो ओवर में है 15 रन और नौमी भाई आए हैं अब तीसरा ओवर करने के लिए। पठान थोड़ा ऊपर आ गए हैं कीपिंग पे, पीछे हारिस खड़े हैं, दानियाल है फेस पे। ये मैच ओवर है, इस ओवर में अगर रन लगते हैं तो बैटिंग साइड अभी लेता हूँ। पहला बॉल करने के लिए आ रहे हैं नौमी भाई और आरिश अली खान रन आउट हो गए भाई। आरिश अली खान रन आउट हो गए। एक्सीलेंट फील्डिंग वहां पे एहसन की जानिब से। दूसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं नौमी भाई और पहला छक्का ही होगा मेरे ख्याल से। पहला छक्का लग गया भाई नौमी भाई को और इसी तरह के अब चार छक्के इनको मारने पड़ेंगे अगर इनको मैच जीतना है तो। नौमी भाई की पूरी कोशिश होगी कि अब ओवर यहीं पे एंड करें 6 रन पे। दो बॉल है 6 रन, अच्छा बॉल बॉडी पे था और सिंगल नहीं लिया। मेरे ख्याल से जो बॉलें बची हैं अभी तक वो यही फेस करेंगे, कोशिश होगी कि अपने एंड से मैच फिनिश करें। चौथा बॉल ये भी सिंगल ही बनेगा दानियाल की जाने से। अच्छी फील्डिंग, चार बॉलों पे 7 रन हैं और नए बैट्समैन है ये कोई। नौमी भाई रनअप पे तैयार है, अपने पांचवा बॉल करेंगे। दो बॉल डॉट हो जाए तो मजा आ जाए और डॉट हो गया भाई, पहला तो डॉट हो गया, पांचवा बॉल था डॉट कराया नौमी भाई ने। और लास्ट बॉल अब फेस करेंगे ये। 7 रन दिए अब तक नौमी भाई ने छक्का लगने के बावजूद, अच्छा कवर किया। और ये छक्का मार दिया शायद, नहीं डॉट है। सही है सही है सही है सही है सही है पठान गए। क्या सीन है, क्या सीन है, कितने रह गए भाई? 24 से 23 लास्ट ओवर है और 23 रन रह गए। दानी है बॉलिंग पे, चार छक्के मैच जितवाएगा इनको, चार छक्के, चार छक्कों से ही मैच जीतेंगे। पहला बॉल दानी का और नो बॉल, फेस पे यही रहेंगे, स्ट्राइक चेंज नहीं होगी कि 22 रन आराम से सेव करें। अली 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 पहला बॉल करने के लिए आ रहे हैं दानी, गुड बॉल, अच्छा बॉल कप कप पठान की, अच्छी कीपिंग, अच्छा बॉल था और गुड लेंथ का बॉल था। पहला नो बॉल दिया है, हाँ पहला बीमार था ना वो तो दिया सही है। पांच बॉलों पे 22 रन रह गए, पांच बॉले 22 रन। दानी अपना दूसरा बॉल करेंगे, मास्क थोड़ा सा अंदर हो गया। दूसरा बॉल और बोल्ड कर दिया भाई, एक्सीलेंट बॉलिंग दानी की जानिब से और मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। चार बॉलों पे चार छक्के रहते हैं अभी भी। कौन बोल रहा था? थैंक यू सो मच। किसको जीतना चाहिए बताओ, किसको जीतना चाहिए? आप लोगों को। चार बॉलों पे अब रह गए हैं 22 रन, हाँ ना, चार पे 22 हैं। हाँ गुस्सा आ गया दानी को, तीसरा बॉल करेंगे दानी और एक और बोल्ड है भाई। दानी को भरपूर गुस्सा आ गया है, मैच खत्म हो गया है भाई,
और अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल में हम चले गए। अब बाउंड्री में खड़ो ना, आप कर दिए थे ये लोग इंडोर में खेलते हैं, नजर नहीं आती। बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत आला मेरी जान, बहुत आला। एक्सीलेंट बैटिंग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नोमी भाई, वेल बोल्ड। थैंक यू, सो गाइस सीन ये कि जो पहला मैच था वो तो हम जीत गए हैं, और उमेर बिन यूसुफ काफ़ी अच्छा तगड़ा खेल रहे थे, एंड सरप्राइजिंगली आई थिंक उनका रनआउट हुआ है ना, रनआउट हुआ है, एंड ऑल बहुत तगड़े थे। एसन पे भी बैट आ रहा था, पाशा पे भी बैट आ रहा था, आरिश ने भी काफ़ी अच्छी गेंदें करी हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं सेमीफाइनल में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।